हेलो एंड वेलकम बैक एरियन के आलत सभी का एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी रेड गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब देखो यार ये वाला गेम प्ले वीडियो भी काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, बिकॉज इस वाले गेम प्ले के अंदर भी काफी सारे किल्स होने वाले हैं, तो बस यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब देखो यार इस वाले गेम प्ले में तुम्हारा भी उतरता है स्टेडियम के अंदर, और यहाँ पर बंदों की बात करो ना तो भाई काफी ज्यादा बंदे आते हैं। उतरते मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करता हूं, और इसका तीसरा बंदा। अब उतरते देखो इस स्क्वाड के मैं तीन बंदों को यहां पे नॉक कर चुका था, और अब बचाते इस स्क्वाड का जो लास्ट वाला बंदा। अब मेरे को लगा यार वो बंदा नीचे की साइड होगा, जैसे मैं यहां पे आता हूं ना देखो यहां पे मेरे को एमओ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक नोक वाला बंदा मिलता है जिसको मैं इजीली फिनिश करता हूँ, बट यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि भाई दो से तीन स्क्वाड के बंदे आए थे, तो मतलब छत पे भी कुछ बंदों की मेरे को पुष्ट आ रहे थे। अब इसी के साथ शायद यहाँ पे एक स्क्वाड यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। फिलहाल देखो यहाँ पर मतलब ऊपर छत के ऊपर भी बंदा था, अब जैसे लोग शायद से फाइट करते हैं जैसे ऊपर आता ना वही बंदा शायद से यहाँ पे नीचे कूद जाता है। अब मेरे को लगा शायद बंदा स्टेडियम में आएगा, बट ये बंदा ना भाई सामने स्विमिंग पूल की साइड जाता है, क्योंकि मेरे को स्पॉट हो चुका था। अब सामने भी देखो ग्रेनेड वगैरह हो रहे थे, तो मैं समझ चुका यहाँ पे दो स्क्वाड के बंदे हैं, तो भाई ये बात यहाँ पर पुष्ट करने की, तो मैं फटाफट यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके भाई सीधा इस वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब एक बंदा देखो जस्ट नीचे कूद के भाई मतलब इस स्विमिंग पूल के जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर है ना भाई बंदा वहीं पे गया है। अब यहां पर मैं थोड़ा लकी होता, मतलब मेरे पहुंचने से पहले यहां पे ग्रेनेड फट जाता है। फिलहाल देखो यहां से मैं जीत रहा उठाता हूं, अब जो बंदा इसको नॉक किया था ना वो बंदा आता पुश करने के लिए। अब यहाँ पे देखो मेरा जीत्री जो था वो रिलोड में नहीं होता, तो पहले मैं नीचे की साइड जाके जीत्री को जब तक रिलोड करता हूं ना तब तक देखो बंदा। अब इस वाले बंदे के पास भी जी3 होता अच्छा होगा, मैंने जी3 को रिलोड कर दिया। अगर मैं MP5 के उस वाली गन से भी मारने का ट्राई करता ना तो भाई अभी मेरा गेम यहाँ पे खत्म था। फिलहाल इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे देखो स्टेडियम वगैरह क्लियर हो जाता, तो यहाँ से मैं सीधा आता भाई बगी लेने के लिए। तो भाई पहले मैं यहाँ पे चेक वगैरह कर लेता भाई सामने बंदे वगैरह तो नहीं है, एंड तभी अब यहाँ पे देखो सामने तो भाई घर वगैरह कोई भी ओपन वगैरह नहीं था, बट ये वाला जो स्प्रे पड़ता है ना और ये क्लोज में भी स्प्रे पड़ रहा था, मतलब मैं समझ चुका बंदे हैं वहाँ पे, तो वहां से लकीली मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सीधा बगी लेके सीधा आ तो इन वाले घरों की साइड, और यहाँ पर आने के बाद अब मेरे को पता था बंदी यहीं पे होने चाहिए, सो यहाँ पर आके मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ ना, एंड तभी देखो सामने ये वाला बंदा स्पॉट होता है जो कि हील भी कर रहा था, और हाँ ये बंदा नॉक हुआ था, मतलब इसके टीममेट भी यहाँ पे आसपास होने चाहिए। सो इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद छोड़ देता हूँ, और इसके जस्ट थोड़ी देर के बाद ना इसका टीममेट भी मेरे को सामने स्पॉट हो जाता है। अब बंदे को मैं यहाँ पे डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, मतलब एक दो बुलेट्स लगी भी थी उसको। अब सामने देखो एक ही बंदा था, मतलब और कोई ज्यादा बंदे मेरे को स्पॉट नहीं हो रहे थे, मतलब सिर्फ एक ही बंदा था। तो यहां से इस वाले बोर्ड को फिनिश करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यहाँ पे रोटेट मारता, मतलब उस घर के पीछे की साइड से आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो बंदे ने ऑलरेडी यहाँ पे स्मोक वगैरह करके रखा था, पता नहीं यार बंदे को किस बंदे ने यहाँ पे नॉक कर लिया, मतलब मेरे को ना तो कोई गन साउंड आया, मतलब कुछ भी नहीं लगा, और ना ही मेरे को कोई बुलेट वगैरह लगा। सो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं बंदा कहाँ पे नॉक हुआ, मेरे को लगा शायद बंदे को हील की साइड से मतलब गोली वगैरह पड़ा है, तो उस वाले बंदे का किल तो मैं यहाँ पे उठा रहा था उसके बाद। अब यहाँ से देखो मेरे को मतलब थोड़ा रिस्क तो लग रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार बगी वगैरह उठा लेता हूँ, और ये हो जाता ये वाला सीन जो कि बंदा लिटरली काफी दूर था, एंड मेरे को समझ में नहीं आया भाई जब इसने फर्स्ट टाइम स्प्रे दिया था ना तो भाई इसका गन साउंड मेरे को क्यों नहीं आया। फिलहाल देखो इस वाले मैच में भी मैं उतरता भाई स्टेडियम के अंदर, और उतरते ये वाला शॉट मतलब के लिए मजा आ गया। फिलहाल देखो इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्यादा बंदे आए नहीं थे, मतलब सिर्फ अकेला ही बंदा आया था। अब जो बाकी वाले बंदे थे ना वो थे सामने मतलब अपार्टमेंट की साइड, और उतरते देखो हेलमेट वेस्ट गन वगैरह सब कुछ मिल जाता था भाई, बिना देरी किए भाई सीधा जाता हूँ पुश करने के लिए,
और सामने भी देखो मतलब फाइट वगैरह चल रही थी भाई, मैं समझ चुका था वहां पे दो स्क्वाड के बंदे लैंड करे हैं। और जैसे यहाँ पे क्लोजिंग निकलता हूँ देखो सामने यहाँ पर मेरे को कुछ ओपन में बंदे स्पॉट होते हैं। पहले बंदे को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, पीछे से देखो एक और बंदा आ रहा था। फिलहाल इससे पहले मैं आप इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, एंड फिनिश करने के तुरंत बाद मतलब इस गन का जो एम असिस्ट है ना लकीली मतलब इतना घटिया लगता है ना मेरे को क्या ही बताऊं। फिलहाल इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, और भाई फिनिश करता हूँ। तभी देखो इसके जो बाकी वाले टीममेट थे ना वो भी आते हैं यहाँ पे पुश करने के लिए। देखो सामने से एक बंदा आ रहा है और एक बंदा पुश भी कर चुका है। मेरे को लगा ये बंदा आखिर होगा, बट ये सब अलग अलग स्क्वाड के बंदे थे। तो पहले तो इस वाले बंदे को मतलब फिनिश वगैरह कर लेता। अब देखो इनका आखिरी बंदा था ना उसके पुश्ते मेरे को सामने भी आया था, मतलब गन साउंड्स भी आ रहे थे मतलब सामने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के साइड। तो पहले तो मैं अपने नॉक वाले बंदों को फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद अब जैसे मैं आप इस वाली बिल्डिंग के क्लोजिंग करता हूं ना मेरे को समझ में आ चुका है कि बंदा ऊपर की साइड है और वो भी कैंप कर रहा है मतलब सीढ़ियों की साइड। और भाई इसी के साथ मतलब यहाँ के सारे बंदे खत्म हो जाते हैं अपार्टमेंट्स के। एंड तभी देखो हाँ पहले तो मेरे को यहाँ पे कुछ मतलब बोर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। हाँ मेरे को लगा शायद बंदा सामने कोई नॉक वगैरह होगा बिकॉज बोर्ड उसको गोलियां वगैरह मार रहा था। तो मैं यहाँ पे रैंडमली फायर कर देता हूँ ताकि भाई बंदा अगर नॉक वगैरह हो तो भाई उसका किल भी मेरे को मिल जाए, बट वो भी एक बोट ही होता था भाई उसका भी किल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। और यहाँ पे देखो सामने मतलब यूएमपी का साउंड आ रहा था। अब बंदा मेरे को स्पॉट होता मैंने काफी डैमेज दिया उस वाले बंदे को, बट बंदा ना भाई सामने जो पेड़ था ना वहां पे चला जाता मतलब कवर में आ चुका था। तो थोड़ी देर में आप इस वाले बंदे का वेट करता हूं, एंड फिर वो बंदा ना भाई इसकी यूज करके मतलब जा रहा था मतलब ओपन में, बट भाई मेरे पास यहाँ पे एमओ वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था। तो भाई बंदा तो वहां से निकल जाता, मैं सीधा आता हूं यहाँ पे इन वाले घरों की साइड गाड़ी लेने के लिए। एंड तभी देखो भाई डरा दिया था इस वाले ने मतलब मेरे को लगा शायद बंदा होगा, बट ये वाला भी एक बोट ही होता है। अब इसको फिनिश करने के बाद ना मैं लगभग भाई पूरा सर्कल घूम जाता मतलब 25 बंदे थे ना भाई, ओल्ड मशीन गया थर्डी गया मतलब को कहीं भी बंदे वगैरह नहीं मिले। और फाइनली यहाँ पे देखो सिर्फ 8 बंदे बचे थे। और वापस मैं जब स्टेडियम आता हूँ ना तब देखो सामने यूएजेड मिलती है मेरे को, मतलब मैं समझ चुका बंदे यहीं पे हैं और इन लोगों की आपस में फाइट भी चल रहा था। और शायद से बंदा सामने रिवाइव कर रहा था, और जैसे इसका रिवाइव कंप्लीट होता है ना यहाँ पे मैं एक स्प्रे में भाई दो बंदों को यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। नॉक करने के बाद अब यहाँ पे देखो जिस जहाँ पे मैंने अभी एम भी किया था मैं तो ये समझ चुका कि ये लोग जिन बंदों से फाइट लेते ना ये जो बंदे वहीं पे होने चाहिए। शायद देखो इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, पीछे एक और बंदे को नॉक किया है तो फटाफट से मैं उसी बंदे की साइड आ जाता हूँ। बट यहाँ पे ना ये सिर्फ दो ही बंदे होते हैं। अब यहाँ पे देखो G3 तो चलता है बट भाई पता नहीं कहाँ से चलता है। और मेरे को ये भी पता था कि भाई जॉन आ चुका है यहाँ पे, तो बंदे को सर्कल में जाना था भाई, मैं यहाँ पे फाइट अवॉइड करके भाई सीधा चला जाते हुए सर्कल में। और यहाँ पर आने के बाद यार मतलब यार मैं तो बिल्कुल सर्कल में आ चुका था, मेरे को लगा शायद जो बंदे बचे हुए हैं ना भाई वो भी अभी सर्कल में आने चाहिए। एंड जस्ट थोड़ी देर में यहाँ पे वेट करता हूँ ना, एंड तभी पहले तो मेरे को ये वाला बोट स्पॉट होता है जिसको मैं इजीली फिनिश करता हूं। देखो सामने अब यहां पर मेरे को बंदा स्पॉट था, लकीली एक गोली से बंदा मर जाता, शायद ये बंदा बहुत ज्यादा डैमेज था। अब इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद अब जो लास्ट वाला बंदा बचा ना ये वही बंदा था मतलब G3 वाला बंदा।
अब उस वाले बंदे का मैं काफी देर यहाँ पे वेट करता, बट वो बंदा चौंक के बाहर से ही मर जाता है। तो जो पहले वाला गैम प्ले भी तुम्हें पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गैम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।